भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। इस टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। भारतीय टीम की गेंदबाजी इतनी शानदार रही कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 177 रन पर ही सिमट कर रह गई। भारत के लिए पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने कमाल किया। जडेजा ने इस दौरान 5 विकेट चटकाए। रविचंद्रन अश्विन को भी 3 विकेट मिले। मोहम्मद शमी और सिराज के खाते में भी 1-1 विकेट गया। पहली पारी में 177 रन पर ऑल आउट होने के बाद जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बारी आई तब भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल किया। 120 रन रोहित शर्मा ने बनाए, अपने टेस्ट क्रिकेट का 9वां शतक लगाया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी 70 रन की पारी खेली। गेंद के बाद बल्ले से भी उन्होंने कमाल किया। अक्षर पटेल ने भी अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेली और 84 रन कुल अपनी पारी के दौरान बनाए। बता दें कि भारतीय टीम ने पहली पारी के दौरान 400 रन बनाए जिसके बाद भारतीय टीम को 223 रन की बड़ी बढ़त मिल गई। टीम इंडिया बड़ी बढ़त के बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी करने उतरी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पहली पारी से भी ज़्यादा लचर हुई और केवल 91 रन पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ऑल आउट हो गए और भारत ने इस मुकाबले को पारी और 132 रन के अंतर से जीत लिया। लेकिन इन सभी के बीच रविंद्र जडेजा की जहां तारीफ गेंदबाजी बल्लेबाजी को लेकर हो रही है, वहीं रविंद्र जडेजा एक और कारण की वजह से चर्चा में रहे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान जब ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 122 रन था, जब टीम ने 5 विकेट खो दिए थे, इस दौरान रविंद्र जडेजा हाथ पर कुछ क्रीम लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद सवाल खड़े हुए कि रविंद्र जडेजा ने बॉल टेम्परिंग की है। लेकिन इसके बाद बीसीसीआई ने मैच रेफरी को अपने बयान में कहा कि रविंद्र जडेजा ने पेन रिलीफ लगाया है। रविंद्र जडेजा की उंगली में दर्द था जिसके बाद उन्होंने मोहम्मद सिराज से क्रीम लेकर के पेन रिलीफ लेकर के अपनी उंगली में उसका इस्तेमाल किया है। बता दें कि तब तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने इसको लेकर कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम मैच रेफरी के पास शिकायत लेकर पहुंची और अब इसी पर आईसीसी और आईसीसी के मैच रेफरी ने बड़ा एक्शन लिया है। आईसीसी ने अपने जारी बयान में बताया है कि रविंद्र जडेजा के बिना अंपायर से पूछे और बिना अंपायर को बताए क्रीम का इस्तेमाल करने पर उन्हें दोषी पाया गया है और उन्हें आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के चलते 25% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। यानी कि रविंद्र जडेजा को अब मैच फीस का 25% काट कर मिलेगा क्योंकि उन्होंने बिना अंपायर की इजाज़त के बिना अंपायर को बताए लाइव मैच के दौरान मोहम्मद सिराज से लेकर क्रीम का इस्तेमाल किया। आईसीसी ने अपने बयान में बताया है कि रविंद्र जडेजा ने जो क्रीम का इस्तेमाल किया उससे बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने बिना अंपायर को बताए ना ही अंपायर से इजाज़त ली और क्रीम का डायरेक्ट इस्तेमाल किया, इस वजह से उन्हें इसका दोषी पाया गया है। आईसीसी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि रविंद्र जडेजा के क्रीम लगाने के बाद बॉल ने किसी तरह की हरकत नहीं की, जैसी बॉल थी वैसी ही रही, लेकिन ये बॉल टेम्परिंग का मामला नहीं केवल आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का मामला है। बहरहाल रविंद्र जडेजा पर 25% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।